उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति में सपा और बसपा गठजोड़ की ताकत बेमिसाल है। 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव और कांसीराम ने पहली बार गठबंधन किया तो भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी की झोली में 42% मत आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुए मत प्रतिशत के बराबर ही थे। जाहिर है कि यह समीकरण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने वाला है। 25 साल बाद सपा और बसपा का दोबारा मिलन हो रहा है, और अगर आप गौर करेंगे तो कई परिस्थितियां इन 25 साल बाद लगभग एक जैसी हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उस समय कल्याण सिंह हिंदू फेस हुआ करते थे, अब योगी जी हिंदू फेस हैं। काफ़ी हद तक ये गठबंधन प्रभावी इसलिए होता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश की जो जमीनी स्थिति है या सामाजिक समीकरण बड़े प्रभावित करते हैं। उस समय नारा लगता था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, और नारा लगा था और नतीजे में भी आया कि 1993 में ही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और सपा बसपा की सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 1993 में कमल को धूल में मिला दिया था। अब जबकि लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया है, तो समीकरण पुराने ही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये गठबंधन 40 से ज़्यादा सीटों पर असर दिखाएगा। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।